धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के 2015 में हुए 4 करोड़ की फिरौती के लिए अपहरण मामले में 500 आरोपियों को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर पीड़ित युवक आदित्य सिंगला के परिजनों और प्रेरणा वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने परमात्मा का आभार व्यक्त करते हुए प्रेरणा आश्रम में पूजन एवं संकीर्तन किया। आदित्य सिंगला के पिता जय भगवान सिंगला ने कहा कि उन्हें परमात्मा पर विश्वास था तो दरिंदगी भरा कृत्य करने वाले 5 आरोपियों को सजा मिली है। उल्लेखनीय है कि सन 2015 में सापड़ा कॉलोनी से नगर के प्रमुख राइस मिलर व समाजसेवी जय भगवान सिंगला के बेटे आदित्य सिंगला का अपहरण हुआ था। घटना के अगले दिन पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए न केवल आदित्य को छुड़वाया बल्कि आरोपियों को भी दबोच लिया। सपना कॉलोनी निवासी राइस मिलर जय भगवान सिंगला का करीब 25 वर्षीय बेटा आदित्य सिंगला का 23 अगस्त 2015 की रात को अपहरण हुआ था। उस दिन आदित्य खाना खाने के बाद रोजाना की तरह टहलने निकला था। घर से कुछ ही दूरी पर कार सवार बदमाशों ने आदित्य सिंगला का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता उसे करनाल ले गए। इसके बाद रात को ही फोन कर जय भगवान सिंगला से 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। 4 करोड़ न देने पर बुरा अंजाम करने की धमकी दी थी। बेटे का अपहरण होने का पता चलते ही घर में कोहराम मच गया। सिंगला जहाँ शहर के प्रमुख राइस मिलर हैं वहीं प्रेरणा वृद्धाश्रम भी चलाते हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। सिंगला ने इसकी सूचना पुलिस को दी। आदित्य सिंगला के अपहरण के आरोपियों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि वो दरिंदे जिन्होंने हमारे बेटे को किडनैप किया था उनको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है, मतलब उम्र कैद उनको मिली है। और बड़ी खुशी है इस बात की, क्योंकि जब तक ऐसे दरिंदों को सजा नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता रहेगा, तब तक समाज में शांति नहीं आएगी और क्राइम बढ़ता रहेगा। तो क्राइम को रोकने के लिए ज़रूरी था, और मुझे पूरा विश्वास था अपने कोर्ट के सिस्टम पर, अपने न्यायालय पर, कि इनको सजा अवश्य मिलेगी। और साथ ही विश्वास था प्रभु की लीला पर कि जो भी उन्होंने किया है उसकी सजा उनको हर हालत में मिलेगी, प्रभु की नज़रों से वो नहीं बच सकते। और ऐसे हुआ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि पांचों के पांच दरिंदे, उनको पांचों को उम्र कैद की सजा मिली है, और अब वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। तो और जो इस तरह के दरिंदे समाज में घूमते हैं उनको एक मैसेज आएगा कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे आज नहीं तो कल उसकी सजा मिलनी ही मिलनी है। ये मैसेज कोर्ट ने हमारे इस ऑर्डर ने दिया है। जो कोर्ट ने फैसला दिया है उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई है। हमें बहुत खुशी हुई, सरकार ने, कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। हम तो जब ये किडनैप हुआ था तो मैं तो कहती है ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, उनको तो उसी टाइम चौराहे पे खड़ा करके गोली मारनी चाहिए। ये चलो उम्र कैद भी कोई कम नहीं है, और लोगों को भी इससे सबक मिलेगा कि गलत काम नहीं करना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो हम बहुत खुश हैं आज उनको सज़ा मिली है। हम लोग कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान परमार्थ करता है तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल ईश्वर हमें देता है। प्रेरणा संस्था जो जय भगवान सिंगला जी जिसके संस्थापक हैं, उन बुजुर्गों की दुआओं के बदौलत और उनका बेटा जिसका किडनैप हुआ था आदित्य सिंगला का, वो चौथे दिन घर लौट आया। ये सब बुजुर्गों की दुआएँ, उनके पाठ और जप का ही परिणाम था कि सबने मिल के, जब सबको पता चला कि हनी का किडनैप हो गया तो मैंने आश्रम में आके बताया कि ऐसे ऐसे भी दुविधा की घड़ी आ पड़ी है, तो सब बुजुर्ग जैसे हैरान परेशान हो गए और उन्होंने कहा कि मैम हम सब इनके लिए, इस बच्चे के लिए दुआएं करेंगे कि ये बच्चा सुकुशल घर लौट आए। उनकी दुआओं की बदौलत मैंने सच में देखा कि चौथे दिन वो बच्चा घर लौट आया, और आज जो इंसाफ हुआ इस परिवार के साथ, सिंगला परिवार के साथ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और जो हमारा कानून पे विश्वास है वो उस पर खड़े उतरे हैं, और उनको सज़ा मिली है, पांचों अभियुक्तों को जो अपहरण करता थे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये बच्चा जो है आज, इसका जो घर आना है वो सफल हुआ, और उनको जो सज़ा मिली है, कानून पे जो हमारा विश्वास है वो और भी दृढ़ हो गया।